नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। छतारी क्षेत्र के गांव टुंडा खेड़ा में दहेज के लिए विवाहिता की फांसी लगाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गाँव टुंडा खेड़ा निवासी अंकित की शादी करीब 5 वर्ष पूर्व जनपद फिरोजाबाद थाना जसराना क्षेत्र के गांव खंडित निवासी संजय पुत्र गंगा सिंह ने अपनी बहन राखी की शादी खूब दान दहेज देकर की थी, लेकिन ससुराली जन राखी से खुश नहीं थे, जिससे दहेज के लिए आए दिन मारपीट तथा प्रताड़ित करते थे। बीते जनवरी माह में वह राखी को मारपीट कर घर छोड़ाए। परिजनों ने आरोप लगाया कि 8 जुलाई को ससुराली जनों ने फोन कर जानकारी दी कि राखी की तबीयत खराब है। परिजन जब गांव पहुंचे तो देखा कि कमरे में राखी का शव पड़ा हुआ मिला। परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराली जनों ने राखी को फांसी का फंदा लगाकर उसकी हत्या की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर पति अंकित, ससुर जयप्रकाश सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है। छतारी टुंडा खेड़ा से कैमरामैन मुकेश शर्मा के साथ रमेश हर्षोनिया की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।